दोस्तों आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि इंडिया में ऑनलाइन टिकट बुक करना वो भी बिना किसी एजेंट के कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप IRCTC की वेबसाइट से ट्रेन टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी पूरे 100% कंफर्मेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग सुमो में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ट्रेंडिंग सुमो की वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको IRCTC की वेबसाइट ओपन करनी है। इसके लिए आपको एड्रेस बार पर www.irctc.co.in लिखकर एंटर करना है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर बुक योर टिकट का सेक्शन दिखाई देगा। आपको इसमें जहां से भी टिकट बुक करनी है और जहां तक की टिकट बुक करनी है दोनों की डिटेल्स डालनी है। इसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट को आपको जर्नी करनी है। फिर इसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी क्लास में ट्रेवल करना चाहते हैं, स्लीपर या AC या फिर कोई और क्लास। क्लास सेलेक्ट कर लें। फिर इसके बाद आपको फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको ट्रेन्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से ट्रेन की टाइमिंग्स देखकर और ट्रेन कितना टाइम ले रही है अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचने में, आपको यहां पर सब देखकर ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेन के नाम पर क्लिक करना है या फिर आप चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको जिस डेट को जाना है उस डेट के नीचे आप बुक नाउ पर क्लिक कर लें। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद आपसे ये ID एंड पासवर्ड मांगेगा। ट्रेन बुक करने के लिए आपका ID एंड पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ID एंड पासवर्ड नहीं है तो आप ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है और IRCTC पर ID बनाना बहुत आसान है। ID पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है एंड फिर साइन इन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें कि आपको पैसेंजर डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको नेम ऐड करना है, फिर एज, फिर जेंडर एंड अगर आपके कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो वो सेलेक्ट कर लें। अगर आप जर्नी के टाइम कोई फूड ऑप्ट करना चाहते हैं तो वेज या नॉन वेज फूड भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप इसमें मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स ऐड कर सकते हैं। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके आप और पैसेंजर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी डिटेल्स भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सबको एक ही कोच में सीट दिलानी है तो आप प्रिफर्ड कोच ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोच नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस पर क्लिक करना है और इससे अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आपका ट्रेन टिकट आएगा और ईमेल एड्रेस डालना है जिसपे आपका ट्रेन टिकट मेल किया जाएगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, फिर कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपकी बुकिंग डिटेल्स खुल जाएगी। डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद आपको कंटिन्यू बुकिंग पर फिर से क्लिक करना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप रीप्लान बुकिंग पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सीधा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट किससे करनी है, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कोई और पेमेंट गेटवे यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी टिकट हो जाएगी बुक एंड आपके मोबाइल एंड ईमेल पर एक कंफर्मेशन आएगा विद द सीट नंबर एंड बुकिंग डिटेल्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और सुनो ट्रेंडिंग खबरों के लिए यहाँ वहाँ मत घूमो। सब्सक्राइब करो अपना चैनल ट्रेंडिंग सुमो।